मंत्री मित्र चाकू जिंदाबाद। पलामू लोकसभा सीट पर महागठबंधन के कैंडिडेट के प्रचार में तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी ने रैली को संबोधित किया। गढ़वा जिले के भवनाथपुर में आयोजित रैली में तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। मुकेश सैनी ने बीजेपी पर उनके 4 विधायक खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो वो संविधान बदल देगी। हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार सांसद चुनकर देश के प्रधानमंत्री को चुनना और एक बार विधायक को चुनकर राज्य के मुख्यमंत्री को चुनना। लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। ये चुनाव जो है देश के प्रधानमंत्री को चुनने के साथ ही ये देश के संविधान को बचाने का सवाल साथियों, ये चुनाव है। देश के लोकतंत्र व्यवस्था को जिंदा रखने का चुनाव है साथियों। ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ साथियों। ये देश जो है ये खतरे में है। इस देश के लोकतंत्र व्यवस्था आज खतरे में है साथियों। देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, हमें एक देश में लोकतंत्र व्यवस्था दिए। आज एक मल्ला का बेटा आपके सामने में अगर सीना चौड़ा करके अगर अपनी बात को रखने का लायक है तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों, संविधान का देन होता। लेकिन ये संविधान को लोग मान नहीं रहे, खास करके दिल्ली में जो मोदी जी हैं इनको नहीं मान रहे हैं। ये बनी हुई सरकार को गिरा दे रहे हैं, विधायक को खरीद ले रहे हैं, सांसद को खरीद ले रहे हैं। आप बताइए लोकतंत्र है? ये देश में हम सभी को अपने संविधान के लिए लड़ाई लड़ना है। आज मैं गरीब मल्ला का बेटा हूं, बिहार में संघर्ष करके 4 विधायक बनाया था, 4 विधायक भाजपा ने खरीद लिया। हम संघर्ष अपने लोगों के लिए, गरीब पिछड़ा दलित लोगों के लिए कर रहे थे, लेकिन हमको सरकार से बाहर निकाल दिया। वो सरकार से जो सरकार हमने बनाया था, अगर हम समर्थन 2020 में नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। हमने पिछड़े का सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है, बड़े लोगों का सरकार है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि वे लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पलायन आम जनता से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर बोलते नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक अच्छे दिन नहीं आए हैं। युवा साथियों को आदाब, प्रणाम और सलाम करते हैं, जोहार करते हैं। जो बेरोजगारी का दर्द, जो गरीबी की दर्द, जो पलायन का दर्द, जो महंगाई का दर्द है, ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है और हम लोगों ने ठाना है जब तक युवा भाइयों को बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला दे तब तक तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। आप लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करके आप ममता भुइया जी को जिताइए, लालू जी, हेमंत जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत कीजिए। इस चुनाव में असल मुद्दा क्या है? हम लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए हैं, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास। आपका यहाँ कारखाना खुले, आपके यहाँ से पलायन रुके, लोगों को नौकरी मिले, पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, रोड बने, पुल बने, पुलिया बने, अच्छा पढ़ाई लिखाई हो बच्चों का, अच्छा से दवा हो, इलाज हो, डॉक्टर उपलब्ध हो, ये है असल मुद्दा। मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो
अच्छे दिन आया, ना काला धन आया, ना खाता में पैसा आया, ना लोगों को नौकरी लगा। 19 खत्म हो गया, अब हो गया 10 साल 24। 10 साल में एक भी काम उन्होंने नहीं किया। और 24 झारखंड में तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी का मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि यहां तो महागठबंधन की ही सरकार है। सोरेन सरकार झारखंड में युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है। ऐसे में झारखंड की जनता ही लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तकदीर लिखेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।